मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु से भी साफ हुई दिल्ली की हवा। सितंबर में आमतौर पर इतनी साफ नहीं होती है दिल्ली में हवा, मौसम विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में डेंगू ने एक बार फिर दी दस्तक। पिछले दो हफ्तों में इससे संबंधित 200 से ज्यादा मामले आए सामने। इस सीजन में दिल्ली में अब तक डेंगू के 343 मामले आ चुके हैं सामने। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आप पर साधा निशाना। कहा, लगातार देश भर में चुनाव लड़ रही है पार्टी, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? या तो आप टिकटें बेच रही है या फिर दिल्ली के विकास के पैसे को चुनाव में लगा रही है। सुनंदा पुष्कर मामले में बढ़ सकती हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें। 9 अक्टूबर को होनी है अंतिम सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को बनाया है आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मनोज तिवारी। कोर्ट ने मनोज तिवारी से एक हफ्ते में मांगा जवाब। इस मसले पर 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। हदनी गुंड बैराज से पानी छोड़ना जारी। यमुना का बढ़ा जल स्तर, कई इलाकों को कराया गया खाली। गाजियाबाद पुलिस ने कार चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ चुका नेता निकला चोर गिरोह का मुखिया। पुलिस ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगातार तीसरे दिन 4 किलोमीटर लगा लंबा जाम। 4 घंटे तक फंसे रहे वाहन चालक। भीषण जाम से निपटने के लिए सुबह से ही लागू किया गया था डायवर्जन। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जल्द मकान मिलने का रास्ता साफ। समिति ने कहा, पुरानी कीमत पर ही मिले घर। यूपी सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने की है इन्हें 3 साल में पूरा करने की सिफारिश। नोएडा की भंगेल रोड पर एक ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए की लूट का मामला आया सामने। बंदूक के नोक पर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हवाई अड्डों के निर्माण पर सपा नेता आजम खान ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, भगोड़ों को भागने में होगी अब और आसानी। एयरपोर्ट्स पर लगाया गया पैसा बस अड्डों पर लगता तो गरीबों को होता ज्यादा फायदा। गन्ना बकाया का ब्याज सहित भुगतान न करने पर हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस। प्रमुख सचिव चीनी उत्पाद और केन कमिश्नर संजय भूस रेड्डी से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भुगतान करने के दिए थे आदेश। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी भी घायल। नदी पार करते समय नदी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। वाहन पर सवार यात्रियों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। बिजनौर के कोटद्वार मार्ग की घटना। लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस बोली, लोकायुक्त की नियुक्ति से डर रही है सरकार। नियम 310 के तहत चर्चा की मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली पुलिस को मिली कामयाबी। 1 किलो चरस के साथ 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार। दोनों तस्करों की पुलिस को थी तलाश। पटना मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 12 मरीजों की मौत। डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़ रहे हैं हालात। जूनियर डॉक्टरों से मारपीट का था मामला। सुशील कुमार मोदी पर लालू यादव की चिट्ठी। कहा, आप लोगों का जनता के बीच से खत्म हुआ इकबाल। शासन क्रिमिनल्स के आगे हाथ जोड़ने से नहीं बल्कि शासन रौब से चलता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत। पैर दर्द से नहीं चल पा रहे लालू, ब्लड शुगर भी हुई अनियंत्रित। मानव तस्करी की शिकार 16 बच्चियां लाई गई रांची। दिल्ली के स्वयंसेवी संस्था शक्ति वाहिनी ने बच्चियों को कराया था मुक्त। सभी नाबालिग बच्चियां रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के रहने वाली। मध्य प्रदेश में सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस चलाएगी फेकू एक्सप्रेस। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन से गिनाएंगे सरकार की नाकामी। 27 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। रोड शो के साथ कई रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल।
भैंस चोरी करने के आरोप में मुस्लिम युवक की भीड़ ने की पिटाई, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला किया दर्ज। एक बार फिर मिशन छत्तीसगढ़ पर आ सकते हैं पीएम मोदी, 9 अक्टूबर को पीएम कर सकते हैं रैली को संबोधित, 5 अक्टूबर को शाह भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बीएसपी ने बिछाई सियासी बिसात, दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाया नया झंडा, रैलियों में कार्यकर्ता लेकर जाएंगे नया झंडा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से निपटने के लिए और मदद देगी केंद्र सरकार। 14 साल बाद खोले गए सुकना लेक के फ्लड गेट, अधिकतम स्तर पर पहुंचा जल स्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की तरह पवित्र, पीएम के बारे में गलत बोलना गंगा को अपवित्र करने जैसा। 3 तलाक अध्यादेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, पूर्व पार्षद, एक एनजीओ और एक अधिवक्ता ने मिलकर दायर की याचिका। 2015 के रेप केस में जिला अदालत का फैसला, बलात्कार के मामले में नाबालिग की हामी, कानून की नजर में सहमति नहीं। हरियाणा में बारिश बनी जानलेवा, अब तक 11 लोगों की मौत, 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। फिर चक्का जाम करने पर उतरे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी, 16 अक्टूबर से करेंगे 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल, पिछली बार सरकार ने इसमें लगाकर टाली थी हड़ताल। अमृतसर में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज गिरा, मलबे में दबे 11 लोगों को निकाला, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पंजाब में बाढ़ का खतरा, सूबे में लगातार बारिश से सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। सुच्चा सिंह छोटेपुर को मनाने में जुटी आम आदमी पार्टी, छोटेपुर की शर्तों पर मंथन करेंगे मनीष सिसोदिया, आगामी दिनों में चंडीगढ़ में करेंगे बैठक। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी मंत्रिमंडल पर बोला हमला, कहा जिस मंत्री के पास जो विभाग है वह उसकी जानकारी नहीं देते बल्कि दूसरे मंत्रालय से जुड़ा बयान जारी करते हैं। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी, बर्फबारी में फंसे IIT रुड़की के 35 छात्र, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की छात्रों के सुरक्षित होने की पुष्टि। किन्नौर जिले में सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान। सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 23 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए जारी की जाएगी अधिसूचना। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नकल करने वालों पर कसी नकेल, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में 42 लोग गिरफ्तार। बंगाल में NRC लाने की कवायद में जुटी RSS, कहा बंगाल में बांग्ला भाषी हिंदुओं की रक्षा के लिए NRC काफी जरूरी। आदिवासियों के आंदोलन के चलते लोगों में बढ़ा गुस्सा, ट्रेन रद्द होने से नाराज गुस्साई भीड़ ने बेतला रेलवे स्टेशन को किया आग के हवाले। आंध्र प्रदेश में विधायक और पूर्व विधायक की हत्या के बाद ओडिशा में हाई अलर्ट, IGRP कोचे ने सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अनिश्चितकालीन अनशन पर ओडिशा अग्निशमन विभाग कर्मी, अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल, सरकार ने मांगा 15 दिन का समय। कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा बीजेपी हर मोर्चे पर हो चुकी है विफल। गुजरात में रेजिडेंट डॉक्टर पर लगा जूनियर डॉक्टर से रेप का आरोप, पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गुजरात का दौरा, महात्मा गांधी संग्रहालय और अमूल संयंत्र का करेंगे उद्घाटन, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गिर के जंगल में एक शेरनी और शावक की मौत, पिछले 15 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 13, वन विभाग में मचा हड़कंप।
और असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर पैमाने पर 4.7 थी भूकंप की तीव्रता। पेटा जिला था भूकंप का केंद्र। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।